क्वेश्चन नंबर जो एक होता है ना उसमें देख लीजिए आपका इस तरह का रहता है पैसेज, है ना ना। तो एक सेपरेट वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको पैसेज, तो ठीक है किस तरह से पैसेज को सोल्व करते हैं। चलिए मैं अभी डायरेक्टली आपको आंसर दूंगा ताकि कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी ना। एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा बेटा पैसेज। चलिए यहां तक हो गया इतना, इस तरह का आपका पैसेज रहेगा, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर एक। ठीक है तो इसका आंसर देख लीजिएगा, व्हाट डू द टू टाइप्स ऑफ पीपल रिएक्ट इन द चेंजिंग सॉल्यूशन सिचुएशन। तो ये देखो भैया यहाँ से ये है आपका पहला, तो पहले का जो आंसर रहेगा ना ये यहाँ पर है ये। ठीक है भैया ये क्वेश्चन आंसर है आपके यहाँ से छठे सातवें आठवें तक, और ये छठे सातवें आठवें तक यहाँ तक क्वेश्चन है। ठीक है इस तरह दूसरा जो पैसेज रहेगा ना, मैंने कहा ना पैसेज में अलग से सिखाऊँ क्योंकि आगे वाली चीज़ अपने को सीखनी है मेन बेटा ना। ये तो छाटना रहता है और छाटना में एक सेपरेट वीडियो में आपको पूरा अलग से सिखाऊँ, कम से कम 20 से 25 मिनट में सारी चीज़ें जीवन भर आप भूल नहीं पाओगे इस तरीके से सिखाऊँगा, तो वो अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे बेटा ना। चलिए थोड़ा सा अपन तो स्क्रीन शॉट ले लो यहाँ से अपन आगे, ये कितना इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो पैसेज नंबर जो टू है इसका सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से देखिए ये पैसेज आपका यहाँ से है, ठीक है इतना की बेटा बढ़िया से तैयारी करो आप, तो है ना ये आपके क्वेश्चन रहेंगे इससे क्वेश्चन। ठीक है क्वेश्चन के बाद में अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर ठीक है ये यहाँ से इसका आंसर रहेगा, ओके इतना। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर जो थ्री है इसमें क्या है आपका, क्योंकि मैं आगे की चीज़ आपको समझाऊँगा, ये चीज़ें मैं आपको ना बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊँगा, है ना भैया ये हो जाएगा इतना। इतना ठीक है चलिए अब नोट्स और टाइटल का रहेगा सिस्टम, इसमें मैं सॉल्यूशन ही दे रहा हूँ सीधी सी बात, उसमें आप तो वहीं से भी देख कवर कर सकते हो। ये यहाँ से है ये स्किप कर सकते हैं कोई बच्चा ये। अब अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ से ये आपका इसका इस तरीके से इसको करना कंप्लीट आपको, है ना ये टाइटल हो गया और ये समरी, यहाँ से समरी ये। ठीक है बच्चू तो चलिए अब एप्लीकेशन को अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से एप्लीकेशन है आपकी ये, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी, जो भी आपका क्षेत्र है उसको लिख देना है। ठीक है भैया इतनी चीज समझ में आई आपको, यदि ये आपका टू द हेड मास्टर बोले तो हेड मास्टर लिखना है, टू द क्लास्टर क्लास टीचर बोले तो क्लास टीचर लिखना है। ये हाल फिलहाल अपने को प्रिंसिपल बोला इसलिए प्रिंसिपल लिखते हैं। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, बीमारी के लिए एप्लीकेशन लिखनी मतलब छुट्टी के अवकाश लिखनी है। एक अर्जेंट होमवर्क घर पर आ जाता है उसके लिए भी एप्लीकेशन होती है, वो केवल लीव की होती है, ये है आपकी सिक लीव बीमारी के लिए छुट्टी। ठीक है सर आई बैग टू से डेट, आई एन में बैग ने निवेदन प्रार्थना करता हूँ, टू से बैग का मतलब तो हाथ जोड़कर मांगना। ठीक है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, क्या करता हूँ आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ ऑफ क्लास टेंथ, यहाँ पर टेंथ लिखा है, अपने को क्या कर लेना है मेरे बाबू सोनाहन, अपने को कर लेना है नाइन्थ, है ना ठीक है क्योंकि अपन नाइन्थ के बच्चे हैं ना। ऑफ यूर स्कूल आई हैव बीन सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग, मैं पीड़ित हूँ, किससे पीड़ित हो भैया, फ्रॉम फीवर बुखार से, सिंस यस्टरडे द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है टू टेक बेड रेस्ट, रेस्ट लेने की मुझे डॉक्टर ने सलाह दी है, सो आई कैन नॉट या आई कैन अनेबल, ठीक है आई कैन अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्लास अटेंड करने में असमर्थ हूँ, कृपया आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। ठीक है बेटा ये यहाँ से, ठीक है भैया इसके बाद में है ना एक एप्लीकेशन और आपसे पूछी जाती है, जो कौन सी रहती है उसे भी देखते हैं यहाँ पर। स्कॉलरशिप की पीघा दारू गम तो फिर भी मिटा नहीं, स्कॉलरशिप वाली एप्लीकेशन है ना।
थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बेटा ये बात। देखिए टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, यानी कि स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन ये है। सर आई बैक टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वही फिल्म, आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूँ विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास, यहाँ पर एड्रेस लिखा ना, इसका मतलब यहाँ पर आप नाइन्थ कर दो, ऑफ क्लास नाइन्थ, ऑफ यूअर स्कूल, आपकी स्कूल का, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या है गरीब किसान है, सो ही कैन नॉट पे माई फीस, वो मेरी फीस भरने में क्या है असमर्थ है, काइंडली ग्रांट मी फुल फी, ठीक है कॉन्शियस, थैंक यू सर, यूअर्स ओबिडेंटली, यहाँ पर फलाना सिंह ढिमका सिंह कालीचरण की रामचरण जो हो आप लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन आंसर मैं एक साथ एक ही वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो यहाँ से देखेंगे अपन क्वेश्चन आंसर होगो, ये देखिए पहला यहाँ से हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड दे लर्न, मार्गी और टॉमी की क्या उम्र थी और वे कौन से विषय पढ़ते थे। तो मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13, मार्गी तो 11 वर्ष की है और टॉमी 13 वर्ष का है, दे लर्न वे मैथ्स पढ़ते थे जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, ठीक है भैया। यहाँ से इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका। यहाँ पर देखिए पूरे क्वेश्चन आंसर जो मैंने ये निशान लगाए हैं ना उनको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। सारे चाहे आप एमपी के कोई से भी जिले से हो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर आप कर लोगे ना तो बिल्कुल आप एग्जाम में फोड़ दोगे पेपर को, ठीक है। ये मेरी जवाबदारी है पूरे अच्छे से, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं इतना हो गया, इसमें 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर जो आपके क्वेश्चन नंबर पूरे रहेंगे वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लोगे आप कि व्हाट डिड फादर ऑफन गेट इरिटेटेड विथ केजिया, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं इतना हो गया है, इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा छोटा कर देता ना ताकि दिक्कत नहीं आई हमारे बच्चों को, है ना भैया। इसके बाद में आप यहाँ से ये स्क्रीनशॉट लोगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसके बाद में यहाँ से, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये रहेगा, इसके बाद में यहाँ पर ये हो गया, इतना थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हो जाएगा अब्दुल, व्हाट डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज फादर, अब्दुल कलाम किस तरह अपने पिता के बारे में वर्णन करते हैं, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है जल्दी से तुरंत आप तो लेते जाओ, ठीक है, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए, इसलिए अपन यहाँ पर थोड़ा सा एक साथ ही सारी चीज़ों का एक साथ दे रहा हूँ मैं ना, जितने भी आपके पेपर सेट आ रहे हैं एमपी के हर ज़िले में अलग अलग आ रहे हैं सबका बेटा एक साथ ही दे रहा हूँ, इसके अलावा अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, पेपर क्वेश्चन सारी चीज़ इसमें ही है ना, क्वेश्चन आंसर जवाबदारी है, आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो केवल, है ना, कुछ अनावश्यक चीज़ें बतानी पड़ती है ना, आप कुछ समझदार है यार, है ना, डायरेक्ट लिए नहीं बता सकते जी, जिन जिन पर एम लिखा हुआ है ना बस उनको ही आपको करने हैं। यहाँ पर आगे व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोयम, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, इसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 5 वे इन विच वी आल आर अलाइक, 5 बातें बताए।